वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका भी सपना है कि बाहर के देशों में जाकर काम करें, यदि आप भी बाहर के देशों में जाकर काम करने के इच्छुक हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे नियम्स और कानून हैं जिसे आपको जानना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन। ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, हर एक सेफ्टी ऑफिसर को इस बात को जानना चाहिए। अगर आप सेफ्टी फील्ड में हैं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तब भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो ये क्या चीज है, एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ, एक तो हुआ कहीं कोई काम हो रहा है, ठीक है, कहीं कोई काम चल रहा है, कहीं कोई एक्टिविटीज हो रही है, वो आपको लगता है कि वह सही नहीं है, वो आपको लगता है कि वह कहीं ना कहीं से वो गलत हो रहा है, तो वहां पर जाकर के अगर उसे उसके बीच में अगर हम उसे रोकने की कोशिश करें या कुछ उसमें हम अपना योगदान करने की कोशिश करें, चाहे जैसे भी हो, जहां अब ये कैसे होगा मैं सारी चीज बताता हूं और इसके एग्जाम्पल भी मैं बताता हूं आपको, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक तरह का हस्तक्षेप कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या हस्तक्षेप की जरूरत है? अगर आप इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, अगर आपका आना जाना एक देश से दूसरे देश में है, या आपका आपकी जो ड्यूटी है, जो आप ड्यूटी कर रहे हो, वह ड्यूटी किसी ऐसे सपोज करो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही है, तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे आधार होने चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे लॉ होने चाहिए जो ऑथेंटिक हो, ठीक है। केवल हवा में तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर जैसे मान लीजिए कि क्या है, जीने का अधिकार है, इसके लिए भी लॉ बना हुआ है। अगर हम ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने भी कुछ लॉ बनाया हुआ है, सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है, फायर सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है, और तमाम तरह की बातें। अब जो हस्तक्षेप है, इस हस्तक्षेप को समझने की कोशिश करते हैं कि यह हस्तक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय विधि की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार पर यह 9 तरह के आपके हस्तक्षेप हैं। कितने हैं? 9 तरह के हस्तक्षेप आपके पास आते हैं, ये हमारा कानून कहता है। अब इसमें क्या, पहला जो हस्तक्षेप आता है, जो ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन कहते हैं, हस्तक्षेप का आधार आपका, ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन इट मीन्स हस्तक्षेप का आधार क्या होना चाहिए। अगर हम अंतरराष्ट्रीय विधि को देखें तो अंतरराष्ट्रीय विधि ने हमें कितना दिया है, हमें नौ ऐसे अधिकार दिए जहां पे आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, हर एक आदमी वहां पे हस्तक्षेप कर सकता है अगर यह गतिविधि हो रही है तो। और ये गतिविधि क्या है, अब इस गतिविधि को हम जानने की कोशिश करते हैं, इस गतिविधि को समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप इस चीज को जानेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या है। पहला अगर मैं हस्तक्षेप की बात करूं तो आता है आत्मरक्षा तथा आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मरक्षा और क्या है, आत्मसमर्पण। यहां पर हस्तक्षेप, अंतरराष्ट्रीय विधि का हस्तक्षेप का जो रूल्स है वह अप्लाई होता है। दूसरी बात करें मानवता का आधार, अगर मानवता कहीं ऐसा कुछ वर्क हो रहा है जहां पे मानवता शर्मसार हो रही है, यहां पर इंसानियत शर्मसार हो रहा है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर इस तरह की एक्टिविटी चल रही है तो आपका राइट है, आप उसे रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप उसमें रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, आप उस चीज को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपको अधिकार देता है इंटरनेशनल लॉ। अब मैं बात करता हूं तीसरा क्या है, संधि अधिकारों को लागू करने के लिए। संधि अधिकार, संधि का मतलब क्या होता है, समझौता। अगर कोई बात चल रही है एक देश से दूसरे देश में, सपोज करो एक घटना बहुत ज्यादा अधिक हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति गया और जाकर के वह बाहर के देशों में काम कर रहा है, सपोज करिए वो कनाडा में काम कर रहा है, सपोज करिए वह UAE में काम कर रहा है, वह आपके सऊदी में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, तो यहां पर काम करने के बाद अगर खुदा न खास्ता अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो अक्सर आपने सुना क्या है कि वहां उसकी मौत हो गई और अभी तक क्या हुआ, लाश नहीं आई है, उसे लाना है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा यही राइट देता है अंतरराष्ट्रीय विधि, इसके आधार पे हम उस चीज को कर पाते हैं, एक तरह का समझौता है,
और उस समझौता का हम इस्तेमाल करते हैं, वह इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल करते हैं और फिर इस काम को हम कर पाते हैं, क्योंकि बात क्या हो जाती है, दो देशों की बात हो जाती है। और जब दो देशों की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो हमारा क्या संधि, जो हमारा एक संधि हुआ है, संधि का मतलब क्या, एक तरह का समझौता हुआ है हमारे देश से, सपोज करो इंडिया से, यूएई से समझौता हुआ, इंडिया से कनाडा से हुआ है, तो एक रूल है, वह हमारा अंतर्राष्ट्रीय रूल है और उसके अकॉर्डिंग आप हस्तक्षेप करने के अधिकार राइट भी आपको मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई लीगल व्यक्ति ही हस्तक्षेप करेगा केवल या फिर इंटरवेंशन करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है तो आप इस चीज का हवाला देकर आप कह सकते हैं कि यह मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। तीन चीजें हो गई। अब अगली बात की मैं बात करूं तो अगला है अवैध हस्तक्षेप रोकने के लिए हस्तक्षेप। अवैध हस्तक्षेप यानी इनवैलिड इंटरवेंशन है, उसे रोकने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, प्रयास करते हैं, यह भी आपका राइट है, यह भी आपका अधिकार है। अगली बात मैं करूंगा शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन यानी जो भी आपकी पावर है उसकी बैलेंस के लिए आप क्या करते हैं, यह भी हमें एक अंतरराष्ट्रीय विधि ने हमें एक राइट दिया हुआ है, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति का संरक्षण, सपोज करिए कि आप इंडिया में हैं तो इंडिया का नियम लागू करता होता है, अगर आप दुबई में हैं तो कहां का नियम लागू होगा, जाहिर सी बात है दुबई का। लेकिन उसके साथ साथ आपके ऊपर, चूंकि हमारी इंडियन एम्बेसी और वहां की जो दुबई की एम्बेसी है, यूएई की एम्बेसी है, इन दोनों के बीच में हमारे कुछ लीगल समझौते हो चुके हैं, वह किसके अंतर्गत है, अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे यदि अगर आपने कुछ पैसे कमाए और फिर उसका संरक्षण, उसको आपने स्टोर किया है, तो वह कोई आपसे नहीं ले पाएगा, अगर लेता है तो वह क्या होगा, इनवैलिड होगा, वह गलत होगा। अब मैं बात कर लेता हूं, अगला जो हमारा है वह है शक्ति का संतुलन हो गया, व्यक्तियों का संपत्ति का संरक्षण। अब सामूहिक हस्तक्षेप, सामूहिक हस्तक्षेप क्या होता है, अब सामूहिक हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ, जब किसी एक कार्य के लिए, जब किसी एक कार्य के लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी चल रहा है, अगर उसके लिए दो या दो से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सामूहिक हस्तक्षेप, या उसे ग्रुप इंटरवेंशन कहते हैं, किसी पार्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक बात के लिए, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा आता है, नेक्स्ट आता है जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा के लिए हस्तक्षेप। सपोज करिए कि अगर हमारा समझौता हुआ है, हमारी बात हुई है उस देश से, हमारे देश का और उस जहां पे हम वर्क कर रहे हैं वहां के देश से, तो वहां पर हम इस बात को लेकर के हम स्टैंड हो सकते हैं कि हमारे देश ने आपसे इस आधार पे समझौता किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि मुझे राइट देता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद से हम जाने गृह युद्ध में हस्तक्षेप। ये जो लास्ट नंबर का गृह युद्ध, अगर कहीं पे किसी भी देश में आप हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे, अगर बाहर के देश में हैं, अगर वहां पे गृह युद्ध होता क्या है, गृह युद्ध ये है कि जहां पर आपस में किसी ऐसी बात को लेकर के और कुछ इस तरह की विवाद शुरू हो जाने, आपस में लड़ाई शुरू हो जाना, और फिर उसके बाद वहां पे एक तरह से जो हमारा शासन प्रशासन है वो क्या हो जाता है, मूक बन जाता है, इट मीन्स वह कुछ नहीं कर पाता है, इसे हम कहते हैं गृह युद्ध की संज्ञा दिया गया। अक्सर इतिहास उठाकर देखा जाए तो बहुत से गृह युद्ध की सिचुएशंस आई है, ठीक है। तो यह चीज गृह युद्ध का जहां भी चल रहा हो और तो वहां पे एक राइट है, वहां पे हम इंटरवेंशन, ये हमारा ग्राउंड बनता है, हम कर सकते हैं। यानी ये नौ तरह का ये जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, इसमें हमें नौ तरह के अधिकार हमें प्राप्त है, जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, हर एक जो भी बाहर के देशों में काम कर रहे हैं उनको जानना चाहिए। तो एक बार मैं पुनः बता देता रहा हूं, ये नौ अधिकार आपके लिए कौन कौन से। तो पहला है आत्मरक्षा का अधिकार, दूसरा है मानवता का आधार, इसके बाद मैं बात करूंगा संधि अधिकारों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप, अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप, पांचवा शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप, छठा जो आएगा व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति का संरक्षण के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं, सामूहिक हस्तक्षेप, इसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा के लिए हस्तक्षेप, और गृह युद्ध में हस्तक्षेप। ये नौ तरह के ऐसे अनुबंध किए गए, ये किसी भी देश पे लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को अगर हम देखें
तो ये किसी भी देश पे लागू होते हैं, जो कुछ हिस्सों को छोड़कर, कुछ देशों को छोड़कर। अगर जो वे देश जो इस अनुबंध में शामिल है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, जैसे इंडिया लगभग हर जगह अब इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये अप्लाई होगा, हर जगह ये अप्लाई होगा। आई होप आज जो है ये 9 तरह के जो हस्तक्षेप हैं, इनका आधार क्या होता है। अगर जो लोग इन्वेस्टिगेशन से हैं, जो लोग ऑडिट से हैं, या जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो है ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन क्या है। तो ये हमारे पास ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन के लिए 9 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, जो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर एंड फायर सेफ्टी ऑफिसर। अदर अगर कोई इससे भी रिलेटेड है तो उनके भी ये सारी बातें जानना चाहिए। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।